अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कई दोस्त और साझेदारियां बनती बिगड़ती रहती हैं, जो कि बस किसी भी देश के नफे नुकसान पर आधारित होती हैं। एक ऐसा भी समय था जब 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के तमाम देश भारत के खिलाफ हो गए थे, लेकिन उस समय भी भारत का साथ देने वाला एक सच्चा मित्र था, रशिया। जी हाँ, वही रशिया जो भारत के लिए आधी से ज्यादा दुनिया से लड़ने को तैयार था और आज तक आजादी के बाद से यूनाइटेड नेशंस में भारत के साथ हर मुद्दे पर कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। रशिया ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने जरूरत पड़ने पर भारत से दोस्ती निभाने के लिए अपने नियम और प्रोटोकॉल भी तोड़ दिए। आज उसी रशिया को भारत से बहुत बड़ी उम्मीद है, और उम्मीद भी इसीलिए क्योंकि रशिया मजबूर है। सैन्य शक्ति के मामले में तो रशिया आज भी अमेरिका से एक कदम आगे है, और किसी भी युद्ध में आज भी अमेरिका को मात देने की ताकत रखता है। जिस मामले में रशिया अपनी टांग अड़ा दे तो अमेरिका को आज भी पीछे हटना ही पड़ता है, लेकिन सैन्य शक्ति में सुपर पावर कहलाने वाला रशिया आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका से कई गुना पीछे है। रशिया की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में 11वें नंबर पर है। ऐसे में एक तरफ अमेरिकी प्रतिबंध और दूसरी तरफ कोरोना संकट की दोहरी मार के कारण रशियन अर्थव्यवस्था मुसीबत में पड़ चुकी है। एक वो भी समय था जब पूरी दुनिया में रशिया के हथियारों और लड़ाकू विमानों का बोलबाला था। तब रशिया अपने हथियार और लड़ाकू विमानों की बिक्री से ही काफी मुनाफा कमा लेता था, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने रशिया पर और रशिया से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया, जिससे रशिया की अर्थव्यवस्था बैकफुट पर आ गई और आज तक अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ये कभी भी उबर नहीं सकी। ऐसे में रशिया पांचवी और छठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी विकास और रिसर्च के लिए भारत का सहयोग चाहता है। दरअसल रशिया की डिफेंस वेबसाइट पर रशियन थिंक टैंक के छपे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत को अपनी एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदने हैं, उसके लिए रशिया की मिग कॉरपोरेशन का मिग 35 एक सही विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि रशिया की मिग कॉरपोरेशन ये सभी लड़ाकू विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाने के लिए भी राजी है, और साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस और टेक्निकल सपोर्ट भी भारत को अपने देश में ही मिल जाएगी, ताकि इन सभी लड़ाकू विमानों को मेंटेनेंस या अपग्रेड के लिए भारत से बाहर रशिया में न लाना पड़े। आगे उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि रशिया को इस समय एक बड़े रक्षा सौदे की बेहद जरूरत है, और दोनों देशों के अच्छे संबंधों को देखते हुए भारत को इस सौदे को मंजूरी दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भारत इस नाजुक समय में रशिया का साथ दे देता है तो दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों पर चले जाएंगे। वैसे भारत कौन सा फाइटर जेट खरीदेगा और कौन सा नहीं, ये तो भारतीय एयरफोर्स या डिफेंस मिनिस्ट्री के विशेषज्ञ ही तय करेंगे, लेकिन भारत को भी ये याद रखना पड़ेगा कि जिस प्रकार अमेरिका अपने हथियार बेचने के लिए भारत को प्रतिबंध का डर दिखाकर ब्लैकमेल करता है, उस प्रकार अमेरिका से नजदीकियां बढ़ने पर भी रशिया ने कभी भी भारत को ब्लैकमेल नहीं किया, जबकि अमेरिका के साथ रिश्ते तो हाल ही के सालों में सुधरे हैं, और उससे पहले भारत सोवियत संघ के समय से रशिया का मित्र है। हमारा मानना है कि रशिया से भारत फाइटर जेट्स खरीदे या नहीं, लेकिन हमें किसी अन्य रूप से रशिया की अर्थव्यवस्था की मदद करनी चाहिए, क्योंकि किसी समय पर रशिया ने भी हमारी मदद की थी, और आज हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पुराने दोस्त की मदद करें। आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।